Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa. Particularly, we are talking about family sponsor stream with form 1149. जी हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, family sponsor stream होता है कि जब आपका real blood relative, mean to say कि आपका real sibling कोई आपका भाई बहन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में permanent resident है और 2 साल से रह रहा है, तो वो आपको जो होता है इनविटेशन दे सकता है फैमिली स्पॉन्सर स्कीम में, जिसमें आपने सुना होगा ना कंडीशन वाला वीजा है, 8503 कंडीशन लगती है, वो यही वीजा है। इसमें सक्सेस रेट जो है ज्यादा रहता है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, इस पूरे वीजा के ऊपर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में क्या डिले चल रहे हैं, सक्सेस रेट में क्या डिफरेंस आया है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो फैमिली स्पॉन्सर स्कीम में लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं उनको एडवाइस इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको प्रैक्टिकल जो है आपके डाउट जो चल रहे होंगे वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो कोई क्वेश्चन होता है इंस्टाग्राम पे भी हम ऐसे कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे बात करें तो फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में एप्लीकेशन बंदा क्यों लगाता है, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में एप्लीकेशन बंदा लगाता है कि इसमें सक्सेस रेट ज्यादा है। यही चल रहा था कि आप 1149 फॉर्म के थ्रू ये फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम होता है जिसमें आपके फाइनेंशियल वीक भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो यंगस्टर वाले एप्लीकेंट होते हैं 22 साल की एज है, कोई स्टडी कर रहा है इंडिया में या कोई मेन नॉर्मल सा कोई वर्क कर रहा है, कम सैलरी है, जहाँ आपको पता है कि नॉर्मल वीजा अप्लाई करोगे तो सीधी रिजेक्शन है, लेकिन इसमें क्योंकि कंडीशन लगानी होती है उन्होंने और आप एलिजिबल है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में, तो इसमें सक्सेस रेट जो है हाई रहता है। फाइल भी ऑस्ट्रेलिया में ही प्रोसेस होती है, ये दिल्ली में नहीं होती। तो लेकिन अभी ये टोटली सिस्टम चेंज हो चुका है, प्रेजेंटली मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है। एक तो इस कैटेगरी में वेटिंग टाइम बहुत बढ़ चुका है, ऑनलाइन कुछ भी लिखा हो, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, आने वालों का 10-15 दिन में भी आ गया होगा रिजल्ट, लेकिन जहां जो वेट कर रहे हैं जब एवरेज टाइम में मानू तो 2 से 3 महीने तो लग ही रहे हैं हर हाल में, कईयों को 3 महीने से ऊपर भी लगे हैं और कुछ केस तो मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिनको 5-6 महीने भी हो चुके हैं। तो अब ये फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में ये मानना कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा ये गलत है। फिलहाल सबको नहीं मिल रहा, जिसको मिल गया होगा उसके लिए तो सब ठीक है कि हाँ हाँ 10 दिन में आ रहा है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है कि डिले आ रहा है, क्योंकि आपका एक केस था 2 केस थे आपके लिंक में, लेकिन बहुत से लोग हैं जो फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में लगा के बैठे हैं और कईयों को टेंशन हो रही है, कईयों ने अभी महीना पहले लगाया तो उनको लग रहा है कि उनका शायद केस इतना डिले चल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वीजे तो 15 दिन में आ रहे हैं। दोस्तों ये नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं ना 15 दिन में आ रहे हैं, वीजे भी आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर तो रिफ्यूजल आ रही है 15 दिन में, लेकिन फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम की असेसमेंट होनी है ऑस्ट्रेलिया में और फाइलों का रश शायद है इस वजह से आप कह सकते हो, लेकिन इसमें जो प्रोसेसिंग डिले वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो जो भी आज की डेट में फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में अप्लाई करने का सोच रहा है, आपका ट्रैवल प्लान 3 महीने बाद का ही हो, ट्रैवल प्लान निकल भी जाएगा कोई इशू नहीं है, वो वीजा फिर भी देंगे अगर वीजा देना हुआ, लेकिन आप फिर भी मान के चलो कि जब भी अप्लाई करना है 3 से 4 महीने पहले ट्रैवल प्लान से पहले अप्लाई करो फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में अगर आप एलिजिबल हो। सक्सेस रेट टूरिस्ट से तो अच्छा ही है, विजिटर वाले वीजा से नॉर्मल वीजा से तो अच्छा है, लेकिन इसमें भी जो मैंने अभी नोट किया है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम का भी सक्सेस ऑल टाइम लो अगर कोई बोलेगा ना तो अब चल रहा है। जी हाँ, इस कैटेगरी में बहुत रेयर रिफ्यूजल होती थी पहले, 80-90% सक्सेस रेशियो चलती थी, लेकिन आज की डेट में फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी, अब ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम भी उससे बची नहीं है, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी रिजेक्शन रेशियो बढ़ चुकी है। जी हाँ, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो है वीजा को लेकर कुछ ज्यादा लीनियट नहीं चल रहा, दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। सो जनवरी में चीजें चेंज होगी, हम पॉजिटिव उम्मीद लेके चलते हैं कि आगे चल के नए साल में चीजें चेंज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस स्ट्रीम में भी रिजल्ट वाला जो सिस्टम है ना वो टोटली जो है वो एवरेज वाली सिचुएशन में आ गया। ऐसा हुआ नहीं, पहले कभी नहीं हुआ कि फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी कहना पड़े कि एवरेज रिजल्ट आ रहे हैं, ऑलवेज होता था हाई रिजल्ट आ रहे हैं, नॉर्मल सा प्रोफाइल है वीजा आया, जो ट्रेवल किए होंगे फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में उनको पता होगा कि बड़ा इजिली वीजा आ गया था और कंडीशन लगी थी 3 महीने रह के वापस आना पड़ा, वो चलो बाद में होता कि बंदा फिर सोचता कि आगे जो लग चुका है जिनका वीजा, अच्छी बात है आप ट्रैवल करो, और इससे पहले कि आप पूछो क्वेंट में कि फिर कब अप्लाई करें, ट्रैवल करके हम आ चुके हैं तो मेरा आंसर है प्रोफाइल पे जरूर काम करना, नॉर्मल अप्लाई करना है तो 4-6 महीने रुक जाओ, एकदम से ट्रैवल करने का कोई पर्पज आपका बनेगा नहीं, तो 4-6 महीने रुक के आप रीट्राई करना अगर नॉर्मल ट्राई करना, लेकिन बी प्रिपेयर वे आप ट्रैवल हो ऑस्ट्रेलिया में फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में फिर नॉर्मल अप्लाई करो तो भी रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं, तो उसको फॉर ग्रांटेड कुछ मत लेना, तो आ सकते हैं वहां पे भी रिजेक्शन के चांसेस। तो यहाँ पे फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम क्या अप्लाई करें, देखिए 3-4 महीने पहले का प्लान बना के अप्लाई कर लो, पता नहीं है कि ये ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिसके पास ऑप्शन नहीं है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में एलिजिबल हो इस स्ट्रीम के अंडर
तो मेरी एडवाइस है आप अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट में डिले आपको फेस करना ही पड़ेगा, सो जो मर्जी सिचुएशन हो, ऑनलाइन जो भी लिखा हो, लेकिन ऑलमोस्ट चलो अपडेट तो किया ही उन्होंने, ऑनलाइन भी बढ़ा दिया था, पहले ज़्यादा कम शो हो रहा था, लेकिन स्टिल जो लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये 80-90% केसेस के लिए एक एवरेज टाइम दे रहे थे, लेकिन जो बाकी 10% बेचारे होते हैं जो बहुत पहले से भी होते हैं उसकी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है डिले ऑलरेडी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, लेकिन स्टिल फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हो आप करो ट्रैवल प्लान उस हिसाब से बना के। तो ये क्विक अपडेट थी क्योंकि बहुत क्वेश्चन फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम के ही आ रहे, तो मैंने सबको आंसर कर दिया कि आप अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन फॉर ग्रांटेड मतलब इसमें रिजेक्शन रेशियो भी जो है थोड़ी बहुत हाई हुई है। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।